मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आइए आइए, सेंट्रल जेल में अरुणा रवि वर्मा नाम के खूनी का इंटरव्यू लेने जा रही है, तुम भी साथ चले जाओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। आज मुझे क्रिकेट मैच कवर करने जाना है, मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छे अच्छे फोटो खींचने हैं। जब बॉल आएगी तो उसे करेक्ट फ्रेम में कैच करके फोटो निकालनी है, समझ गए? क्योंकि फास्ट इज माय टेस्ट। ज्यादा फास्ट हो गए तो वेस्ट हो जाओगे। ठीक है, तुम जाओ और क्रिकेट कवरेज देखो, मैं किसी और को भेज दूंगा। बाय सर, सी यू। ये लो अरुणा, एंट्री पास। तुम बाहर इंतजार करो, मैं दूसरे फोटोग्राफर का इंतजाम करता हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। नमस्ते सर, मैं अरुणा हूँ। यस यस आई नो, आपके एडिटर ने मुझे फोन करके बता दिया था कि आप आ रही हैं। थैंक यू। आप जिस शख्स का इंटरव्यू लेने आई हैं, आप शायद उसके बारे में नहीं जानती। बहुत कोशिश करने के बाद भी शायद आपको उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस बारे में शायद आपके एडिटर भी नहीं जानते। आपको कुछ पता चल जाए इसीलिए मैंने ये परमिशन दी है। आइए आपको जेल दिखा दूं। देखिए, लोगों को लगता है जेल नर्क है, हम कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, कैदी राक्षस स्वभाव के होते हैं ऐसा लोग सोचते हैं, उनकी धारणा हम नहीं बदल सकते। बट आई एम सॉरी, इट्स नॉट ट्रू। हम कैदियों के जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें हुनर सिखाते हैं, उन्हें कोई ना कोई काम सिखाकर जिंदगी के प्रति विश्वास पैदा करते हैं। लेकिन उनके रिहा होने के बाद समाज उनके साथ क्या सलूक करता है ये हम सभी जानते हैं। समाज को अपनी राय बदलनी होगी। इस जगह पे फांसी दी जाती है। फांसी देने से पहले कैदी के स्वास्थ्य को डॉक्टर अच्छी तरह से जांचते हैं, उसके बाद उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है। ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है। लटकाने के बाद ये लीवर खींचते हैं। लीवर खींचते ही पटरी हट जाती है, आदमी नीचे और प्राण ऊपर। उसके बाद भी बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं। कैदी के मरने के बाद डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट भी लेना होता है। उसके बाद हम उसके रिश्तेदारों को उसकी बॉडी सौंप देते हैं। चलिए आपको कैदियों से मिलवाता हूं। सुनो, जाकर कैदी वर्मा से कहो कि उनसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, उसे लेकर आ जाओ। मिस अरुणा, एक छोटी सी बात का ख्याल रखिएगा, उसे ये नहीं पता चले कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सावधान रहिएगा। ए, तुमसे कोई मिलने आया है, चलो उठो। वो लोग उसे लेके आ रहे हैं। जिसको मुझसे मिलना था वो आप ही हैं क्या? लेकिन आप कौन है मुझे नहीं पता। क्या आप विजय की दोस्त हैं? मैं किसकी दोस्त हूँ ये जरूरी नहीं। मैं यहाँ कुछ सच्चाई जानने के लिए आई हूँ। आप तो मुझे प्रेस रिपोर्टर लग रही हैं। मुझसे कहा गया था कि मुझसे मिलने के लिए मेरा कोई परिचित आया है। जब आप खुद झूठ बोल के यहाँ आई हैं, तो सच कैसे जान सकती हैं? रुको,
सच बताओ, तुमने विजया को क्यों मारा? बताओ, उसका खून किस लिए किया? मैंने आपसे पहले ही कहा था, उसे मत बताइएगा कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं। एनीवे, आप बताइए कि मैं आपकी और क्या सहायता कर सकता हूँ। इस केस से संबंधित आपके पास जो भी जानकारी है आप मुझे दे सकते हैं। ओके, ये उसके केस से संबंधित फाइल है, इसमें वो सारी जानकारी है जो आप जानना चाहती हैं। आप इसे पढ़कर देख सकती हैं। देखिए, आपसे एक बात कहनी थी, इसके चोट के बारे में अखबार में मत लिखिएगा। उसे वो चोटें हमारी वजह से नहीं लगी हैं। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका है। उसने ऐसा क्यों किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये सच है कि वो जेल के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहता। बस उसी कोशिश के दौरान उसे इस तरह की चोटें आ गई। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? मीटर में तो 48 रुपए हुए, बाकी चिल्लर कहाँ है? चिल्लर? कैसी चिल्लर? शहर से इतनी दूर लेकर आया हूँ, 2 रुपए तो ऊपर से बनते हैं। वाह रे वाह। क्यों छोड़ सकती हूँ? शराफत से चिल्लर देते हो या पुलिस को फोन लगाऊं? क्या कहा? पुलिस को फोन करोगी? वाह रे वाह, मेरे पास चिल्लर नहीं है, जाओ। तो पैसे वापस करो, मैं अंदर से चिल्लर लेकर आती हूँ। तुम जब तक अंदर से चिल्लर लेकर आओगी तब तक मैं दूसरी सवारी कर लूंगा। ये लो अपने 2 रुपए। वाह रे वाह, वाह रे वाह, अब कहाँ से आ गए पैसे? ठीक है, ज्यादा पकाओ मत, जाओ। हेलो, मैं डॉक्टर शांति बोल रही हूँ, आप कौन? मैं हॉस्पिटल से सरोज बोल रही हूँ मैडम। बोलो, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह फोन किया? 3 नंबर वार्ड में 5 नंबर का पेशेंट बहुत परेशान कर रहा है मैडम, वो किसी की बात नहीं सुन रहा। हमने बहुत समझाया लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, उसे डिस्चार्ज कर देना ही ठीक रहेगा। अब आप ही बताइए क्या करना है। बकवास मत करो, हमारे पास अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनका इलाज करने से पहले हमें पेशेंस होना चाहिए। तुम थोड़ी देर के लिए संभाल लो, मैं बस पहुँच रही हूँ। नमस्ते डॉक्टर मैडम। हाय अरुणा, तुम कब आई? आओ आओ, यहाँ कैसे आना हुआ, तुम्हारे भैया ने यहाँ पर भेजा है क्या? हाँ ठीक कहा, आपके पति लंदन में और आप हैदराबाद में, पोस्टल ट्यूशन जैसी प्रेगनेंसी होती तो तुम माँ बन जाती, ये तो पक्का है। चुप करो, ये सब छोड़ो, आज सूरज गलत दिशा से निकला है क्या? और बताओ क्या चल रहा है? मैंने विजयवाड़ा में प्रजा राजी अखबार में इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं सेलेक्ट हो गई, मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता तुम बनाओगी, खाना पकाने वाली नहीं? अकेली के लिए खाना बनाने वाली क्यों रखूंगी, तुम आ गई हो ना, एक टाइम का खाना मैं बना लूंगी, एक टाइम का तुम बना लेना। ओके। आप कौन है? एडिटर सर से मिलने आई। उससे पहले आप कौन से भी जरूरी आदमी से मिलना होगा। वो कौन है? इस अखबार के एडिटर के मुख्य सलाहकार, सीक्रेट सलाहकार, सब कुछ वही एक महान आदमी है, दी ग्रेट गोविंद राव बीई। कहाँ है वो? वो कहीं नहीं है, यही है और इस समय तुम्हारे पास। आप बीई की पढ़ाई करके यहाँ प्यून की नौकरी कर रहे हैं? अरे वो तो कॉलेज में पढ़ाई करके मिलने वाली एक मामूली सी डिग्री है, लेकिन मेरी जो डिग्री है ये मैंने अपने अनुभव से प्राप्त की है, जिसे मैंने अनुभवी लोगों के बीच जाकर पाई है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ठोकर खाकर मैंने हासिल की है ये डिग्री बीई। इसका मतलब है आपको बहुत कुछ पता है। गुड गर्ल, मुझे सब पता है, ठीक समझी। आइए मैडम, आपको सर एडिटर बुला रहे हैं। जब महान गोविंद बात कर रहा हो बीच में खलल डालकर ले गया, देख लूंगा। वो जो खुद को बी कह रहा है ना, वो इसकी डिग्री विग्री कुछ नहीं है, बस दिन भर दूसरों को परेशान करता रहता है। सर
ये अरुणा है, ये है सब एडिटर मुरली। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आइए। मैं कमिन सर, ये है मिस अरुणा, हमारे विजयवाड़ा ऑफिस में भेजी गई हैं। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। थैंक यू। अपॉइंटमेंट लेटर है क्या? इसकी क्या जरूरत थी? विजयवाड़ा के एडिटर ने मुझे फोन करके बताया था। उन्होंने बताया कि तुम बहुत होनहार हो और तुम्हारी जरूरत वहाँ से ज्यादा यहाँ है। थैंक यू सर। देखो अरुणा, पत्रकारिता का मतलब ऑफिस में बैठ के काम करना नहीं होता। इसके लिए अलग अलग लोगों से मिलना, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। जनता के मुद्दों को समझ के उनकी परेशानी लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी सर। वेरी गुड। तुम एक काम करो, अरुणा को लेकर के जाओ और इनका परिचय सबसे करवा दो। ठीक है सर। जाओ अरुणा, आइए। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। एडिटर सर भी अक्सर मुझसे ही सलाह लेते हैं। समझ गए बाबू? डियर फ्रेंड्स, ये है मिस अरुणा जर्नलिस्ट, हमारे विजयवाड़ा ऑफिस से आई हैं। ओ ओ ओ। ये है सुनील तिवारी जी, यहाँ के प्रूफ रीडर। ये है कृष्ण गोपाल जी, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। नमस्ते। ये है अनीता जी, टाइपिस्ट। नमस्कार। जब से आई है तब से टाइपिस्ट ही है, एक इंच आगे नहीं बढ़ी। प्रोप्राइटर सर के रेफरेंस से आई है ये। ये है रिद्धि बंसल, कार्टूनिस्ट। नमस्ते। ये जो कार्टून बनाते हैं ना, बड़े लोग तो देखते नहीं है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनके कार्टून। गोविंद राव जी, आप अपने काम से काम रखिए ना। ठीक है ठीक है। ये है, अपने पत्रिका में खाने की रेसिपी वाले कॉलम देखती हैं, मिस कोमल। नमस्ते। यहाँ पर खाना बनाने के बारे में खबर देखती हैं ये, लेकिन घर पे इनके पति बाहर ही खाना खाते हैं। ये है अभिषेक सिंह जी, अखबार में फिल्मों की खबर छापते हैं। इन्होंने लिख दिया सिनेमा अच्छा तो फिल्म पक्का फ्लॉप होगी, एक शो नहीं चलती, और जो सिनेमा अच्छा हो उसके बारे में लिखते नहीं है जनाब, बड़े महान है ये। इसके अलावा हमारे यहाँ एक स्टाफ फोटोग्राफर भी है, कहाँ गायब हो गए, लो आगे लटका कर। हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम भानु, प्रेस फोटोग्राफर। एंड यू? अरुणा, ऐसे क्या देख रही है? यही सोच रही है ना कि तुम्हारा नाम कैसे पता? मेरी आंखें ही मेरा कैमरा है, मुझे कुछ भी कहीं भी नया दिखता है उसे फौरन क्लिक कर लेता हूँ। देखो यू नो, क्योंकि यही मेरी खासियत है। और एक बात, आप अभी अभी अपॉइंट हुई हैं, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्ते। ब्यूटीफुल फ्रेम, लेकिन क्लिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये विचित्र टाइप के प्राणी हैं। आइए मैडम, आइए। हेलो। अरे बाप रे। आइए, ये है आपकी सीट। Wish you all the best. Thank you. चलता हूँ। सर, हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आदमी या औरत? दोनों तरह के लोग हैं सर। लेडीज फर्स्ट बेस्ट, जेंट्स नेक्स्ट बेस्ट। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड या बैड या तो बाद में पता चलेगा। कम कम हियर, कम नियर। तुम्हें पता होना चाहिए कि पत्रकार के लिए जनरल नॉलेज कितना जरूरी है, इसलिए मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, तुम मुझे उसका जवाब दोगी। ठीक है सर। फर्स्ट टचिंग, नेक्स्ट किसिंग, फाइनल फायरिंग। छी छी। तुम इसे गलत समझ रही हो। यू सी, दिस इज टचिंग, ये हुई किसिंग, और फाइनली फायरिंग। माफ कर दीजिए सर, मैं गलत समझ बैठी। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। मैडम, एक और सवाल पूछता हूँ, जवाब दो। ठीक है सर। अखबार में हेडिंग कहाँ डालते हैं? ऊपर? नहीं, नीचे डालते हैं। क्या? यही हमारी खासियत है। ये सब छोड़ो, तुम हमारे अखबार के डेवलपमेंट के लिए कुछ खबर सुना सकती हो? नहीं। सुना सकती हूँ सर। सुनाओ। एक ही बार में एक स्त्री ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बेकार। राजकीय खजाने की चोरी करने के बाद DIG विदेश भाग गया। कुछ खास नहीं, स्त्री ने बच्चों को जन्म दिया, इसमें क्या खास है? लेकिन अगर हम छापे कि पुरुष ने बच्चों को जन्म दिया तो खास होगा। इसी तरह कांस्टेबल के घर में चोरी हुई, DIG पकड़ा गया, ये खबर छापनी चाहिए, ये होते हैं खास। अब खास खबर के बारे में समझ गई? हाँ। आजकल सबसे अहम है सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्मों के बारे में छापने से लोगों में क्रेज बढ़ता है। मैं सिनेमा के बारे में भी बोल सकती हूँ। बोलो।
दादा साहेब फाल्के के बारे में, नरगिस के बारे में। छोड़ो, इनके बारे में छापोगे तो लोग पेपर देखेंगे और फेंक देंगे। सेंसेशनल न्यूज मैं सुनाता हूँ। जंतर मंतर प्रोडक्शन में शूटिंग के दौरान अभिनेत्री के कपड़े चोरी हो गए। हीरोइन को हीरो ने ओरिजिनल किस किया। ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े हमारा अखबार। लेकिन ये तो झूठी खबर है ना सर। बिल्कुल नहीं, उस समय हीरोइन की उम्र 7 साल थी और बच्चे को तो कोई भी किस कर सकता है। मेरी नौकरी मिलेगी? हाँ? हाँ। तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपना पीए बना लूं। पीए का काम बहुत अच्छा करोगी। कम विद मी। देखो अरुणा, तुमने कोई मामूली काम नहीं किया है। हमारे अखबार की जो प्रशंसा हो रही उसका कारण तुम हो। तुमने जनता की समस्याओं के बारे में जो खबर छापी वो बिल्कुल सच्ची बात है। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है, इसमें आपके प्रोत्साहन का बड़ा हाथ है। इसमें मेरा प्रोत्साहन नहीं है, तुम्हारी लगन है। तुम्हारी लगन को देखकर मैं तुम्हें एक जरूरी काम सौंपने वाला हूँ। यहाँ के सेंट्रल जेल में रवि वर्मा नाम का एक बदमाश है। वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसने अपनी बीवी का बड़ी बेरहमी से खून किया है। वो बेचारी तो मर गई और उसे फांसी की सजा भी मिल गई, लेकिन आज तक उसने कैसे अपनी पत्नी का खून किया इस बारे में न पुलिस को न कोर्ट को कुछ बताया। आज तक किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छपी है, इसलिए मैंने जेल अधिकारियों से बात करके तुम्हें वहाँ बुलाकर उसका इंटरव्यू लेने का इंतजाम कर दिया है। एंट्री पास भी मंगवा लिया है। तुम किसी भी तरह वहाँ जाकर उसका इंटरव्यू करके आओगी, इसे पूरे भारत में हमारे अखबार का नाम मशहूर हो जाएगा। क्या सोच रही हो, इतने भयंकर खूनी का इंटरव्यू लेने में तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं सर, मैं तो कब से ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी। वेरी गुड। मुझे मेरी बहन की इतनी बेरहमी से हत्या करने वाले के बारे में लोगों को पता चलना ही चाहिए। वो जेल के नरक में कैसी जिंदगी बिता रहा है ये मैं लोगों तक पहुंचा कर रहूंगी। मरने वाली की सच्ची कहानी, पत्नी की हत्या करने वाले रवि वर्मा की सच्ची कहानी। रवि वर्मा एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में प्रोपराइटर था। पैसा दिखाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता था और मॉडलिंग कराकर बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर लेता था और पैसे कमाता था। एक दिन एक डांस प्रोग्राम में उसने विजया को देखा। विजया, ये रवि वर्मा जी हैं, मॉडलिंग कंपनी के प्रोपराइटर। तुमसे बात करना चाहते हैं। आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आपके नृत्य की तारीफ करने आया हूँ, क्योंकि मैं कला का पुजारी हूँ और वो भी सच्चा पुजारी। मैं हर तरह की कला का उपासक हूँ। चित्रकला, शिल्प कला, नृत्य कला, गाने की कला, हर तरह की कला से प्रभावित हो जाता हूँ। मैं कहीं भी कला देखता हूँ, सुनता हूँ तो खुद को भूल जाता हूँ। हाँ, ये मेरी कमजोरी है। अरे वाह, कला के प्रति प्रेम को कमजोरी बताना सिर्फ एक कला प्रेमी ही कर सकता है। थैंक यू, आपने जो समझा वो बिल्कुल ठीक है। मैंने इसी कला के प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मॉडलिंग कंपनी की शुरुआत की है। मॉडलिंग कंपनी? इतना आश्चर्य से क्यों पूछ रही है? मॉडलिंग भी एक कला ही है। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि क्या आप मेरी कंपनी में मॉडलिंग करेंगे? नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो। माफ कीजिए, नृत्य मेरा प्रेम है। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, हॉबी के लिए डांस करती हूँ। नौकरी करके कमाने की बजाय आप मॉडलिंग करके क्यों नहीं कमाती? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। ओह, इट्स ऑल राइट, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। आप ठंडे दिमाग से मेरे ऑफर के बारे में दोबारा विचार कीजिए। चलता हूँ, बाय। बड़ी टेढ़ी खीर लगती है, चलो देखते हैं। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं, अभी आती हूँ। आप? हेलो, दोबारा कैसे आना हुआ? मैं जानना चाहता था कि आपने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है। मैंने अपना जवाब आपको उसी दिन दे दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और जो दरवाजे पर आया अवसर का फायदा उठाते हैं वो अकलमंद कहलाते हैं। ये तो बहुत अच्छा अवसर है। मुझे दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, लेकिन
कब कैसे आपका इरादा बदल जाए ये कोई कह नहीं सकता, इसलिए आपका इरादा बदल जाए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती है। ये लीजिए मेरा कार्ड प्लीज। ओके बाय। हेलो, रवि वर्मा स्पीकिंग। ओ रवि, कैसे हो? कौन? विजया। हाँ, वो मेरे ऑफिस में काम करती है। मैडम, मैनेजर ने बुलाया है। आ रही हूँ। मे आई कम इन सर? यस कम इन। ये बहुत जरूरी लेटर है, एक बार अच्छी तरह से पढ़कर टाइप कर दो। क्या हुआ, नौकरी जाने से इतनी परेशान हो रही हो? नौकरी जाने से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मेरी नौकरी क्यों गई। ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब तुम दूसरी नौकरी क्यों नहीं तलाश करती? नौकरी मिलने की बात नहीं है, कितने दिन कितने ऑफिस के चक्कर लगाकर ये नौकरी मिली थी। दूसरी नौकरी नहीं मिली तो मेरी बहन की पढ़ाई, मेरे हॉस्टल का खर्चा, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा? ये सोचकर घबरा रही हूँ, अगर पैसे नहीं हुए तो मेरी बहन की पढ़ाई, उसकी तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। मुझसे परायों की तरह बात मत करो विजया, तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, और तुम्हें यहाँ हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है? तुम अकेली हो, चाहो तो मेरे घर में रहो, वहाँ कोई नहीं रहता है, तुम चाहो तो आकर रह सकती हो। नहीं शांति, माँ बाबूजी के जाने के बाद तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम पर और बोझ नहीं बन सकती, पहले से ही मैं तुम्हारे एहसानों तले दबी हूं। सुनिए, आपके लिए फोन आया है। हेलो। हेलो, मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ, आपका शुभचिंतक। बोलिए। आपके ऑफिस में आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ। It's all right. देखिए, मैंने कहा ना, मुझे आपके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। After all, एक छोटी सी नौकरी चले जाने से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने के बहुत से रास्ते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, दोबारा सोच लीजिए, डरिए मत, आपको परेशान करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आपके लिए जो ऑफर मेरे पास पहले था वो अब भी है, सोच लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। किसका फोन था? रवि वर्मा का, वो एक मॉडलिंग कंपनी का प्रोपराइटर है, बहुत दिनों से मुझे ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मेरी हालत जानकर फिर से फोन कर रहा है और कह रहा है कि ज्वाइन कर लूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? बेकार की जिद से किसी का भी फायदा नहीं होता है विजया, तुम तो खुद ही बहुत समझदार हो, सोचकर फैसला करो।
मार्वेलस, डिजाइन बहुत बढ़िया है। थैंक यू। वैसे तो मॉडलिंग के लिए बॉम्बे की कंपनियां बहुत मशहूर हैं, लेकिन तुम्हारी कंपनी उन्हें टक्कर दे रही है। थैंक यू। तुमने जिन मॉडल्स को सिलेक्ट किया है वो बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हारी कंपनी की तरक्की के लिए यही काफी है। ये आपकी सोच है, लेकिन सच ये है कि उनकी तरक्की मेरी कंपनी की वजह से। वो सब तो ठीक है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, कौन कब बदल जाए कह नहीं सकते। मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए राय देता हूँ कि अपने आप को काबू में रखो तो अच्छा होगा। कुछ कहना चाहते थे? कुछ नहीं, जो आपसे कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं मन में कुछ डर सा लग रहा है। आप मुझसे कह सकते हैं। क्यों, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानोगी, आपको किस चीज की कमी है? ठीक कहा, मुझे किस चीज की कमी है? रुपया, पैसा, ऐश्वर्य सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ, मेरे पैसे देखकर कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, बट मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए विजया, जो मुझसे प्यार करे, मुझे समझ सके। विजया, तुम पहले मेरी मॉडल बनकर आई, फिर धीरे धीरे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली। काश अगर तुम तैयार हो जाती तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना लेता। मैंने तो अपने दिल की बात तुमसे कह दी, अच्छी तरह सोच करके अपना फैसला सुना देना। मेरी प्यारी बहन को मेरा प्यार। दिल्ली में जिस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स के लिए तुमने अप्लाई किया था, वहाँ तुम्हें सीट मिल गई है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। जब तुम यहाँ आओगी तब मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देने वाली हूँ। तुम्हारी बहन विजया। दीदी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, क्या बात है? अरुणा, मैं अपने जीवन का सबसे अहम फैसला लेने से पहले अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या बात है दीदी? मेरी शादी के बारे में। मैं जिस मॉडलिंग कंपनी में काम करती हूँ वहाँ के प्रोपराइटर रवि वर्मा मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुमने क्या फैसला किया है? मॉडलिंग करने वाली मेरे जैसी लड़की अगर उनकी जीवन संगिनी बन जाती है तो उससे खुशी की बात क्या होगी? तुम खुद समझदार हो, तुम जो फैसला लोगी मुझे विश्वास है सोच समझ कर ही लोगी, लेकिन इस बात का दुख है तुम्हारी शादी में हम नहीं होंगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम क्यों नहीं होगी? हाँ दीदी, शांति दीदी लंदन जा रही हैं और मैंने दिल्ली में जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया था वहाँ अर्जेंटली जाना है, लेकिन दीदी आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? हम लोग जब वापस आए तब आप दोनों को हमें एक नन्हा रवि वर्मा या नन्ही विजया देनी होगी। ओके, चल। क्या है ये सब? अब यहाँ पर आने के बाद तुम ये क्या पूजा पाठ में लग गई हो? तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा मॉडलिंग अपॉइंटमेंट है, जल्दी करो। अब भी मॉडलिंग? अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ ना। कोई कानून है क्या, पत्नी मॉडलिंग नहीं कर सकती? आज तक इंडस्ट्री में जितनी भी मॉडल रही हैं, वो किसी न किसी की पत्नी है। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? कंपनी बंद करके तुम्हारे पल्लू में बैठ जाऊँ? घर की देखभाल करना और शाम को पति का इंतजार करना ही पत्नी की इच्छा होती है। इस घर की जोत जलाकर आपकी शाम को राह देखूं, यही मेरी इच्छा है। ये सब बेकार के सेंटीमेंट छोड़ो और जल्दी तैयार हो जाओ, 10 मिनट में तुम्हें लेने आऊंगा। ओह, ब्यूटीफुल डिजाइन। रवि वर्मा जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे पेंटर हैं। शुक्रिया सर। इस तरह की मॉडलिंग के लिए आपने अपनी पत्नी को चुना, इससे पता चलता है आप कितने बड़े कला प्रेमी हैं। यू आर रियली ग्रेट। ऑफ कोर्स, वो सब तो ठीक है, क्योंकि कला को कला की तरह देखना चाहिए। जब ऐसा होता है तो पति पत्नी में किसी तरह की गलत फहमी नहीं होती। आपका काम हो जाएगा, मैं शाम तक आपका डिजाइन रेडी कर दूंगा। थैंक यू। वेलकम सर।
मैडम तैयार हैं? सर मैडम वो ड्रेस पहनने से मना कर रही है। क्या कहा? पहनने से मना कर दिया? क्या बात है, ड्रेस क्यों नहीं पहनी तुमने? नहीं पहनूंगी। कारण क्या है? बात यह है कि ये कपड़े कितने अश्लील हैं। ऐसे कपड़े पहनाकर आप लोगों के सामने मेरा ऐसे प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, बताइए। ए, ये कपड़े कभी नहीं पहने क्या? नहीं पहने। क्यों मेरी धर्म पत्नी जी, एक मंगलसूत्र गले में क्या पहना, तुम तो एकदम पतिव्रता पत्नी बन गई हो। याद रखो कुछ दिन पहले तुम बाजार में खड़ी थी और आज तुम मेरे सामने संस्कारी होने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। पता है तुमसे शादी करने की वजह क्या है? तुमसे काम करवाने के लिए। पहले मीठी मीठी बातें करके उस दिन आपने मुझसे कहा था कि मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मुझे समझने वाली एक पत्नी चाहिए। मुझे समझने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहा था या नहीं? कहा था। तुम मॉडलिंग ने छोड़ दो इसलिए तुमसे झूठ बोलकर शादी की थी। अगर तुम कहीं और चली गई होती तो मेरी कंपनी को भारी नुकसान होता। इसीलिए कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी। पैसे 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 कमाने के लिए। ऐसा पैसा किस काम का जिसमें पत्नी की रक्षा ना हो। पति अपनी पत्नी को बीच बाजार में खड़ा करके लोगों के सामने उसे नुमाइश की चीज बना दे। पैसे की जरूरत थी तो तुम्हें मॉडलिंग अच्छी लगती थी। आज पैसे मिलते ही ये गलत लगने लगी। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे लिए सबसे पहले एक मॉडल गर्ल हो, उसके बाद तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुमने मेरी बात शराफत से मान ली तो ठीक है, वरना अपने गले का मंगलसूत्र उतारने के लिए तैयार हो जाओ। माइंड इट, बट स्टिल आई गिव यू टाइम। अच्छी तरह सोच लो। इस तरह धीरे धीरे विजय और रवि वर्मा में दूरियां बढ़ती चली गई। फिर कुछ दिनों बाद रवि वर्मा ने घर आना भी बंद कर दिया। आता तो शराब पीकर विजया पर जुल्म करता था। विजया का जीवन नरक बन गया था। हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे तंग करता था। हर रोज उन दोनों के बीच में अनबन होती ही रहती थी। नरक में रहने वालों की भी इच्छा भगवान सुन ही लेते हैं। आप आ गए, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। फोन करने वाली थी मतलब जरूर कोई जरूरी बात है। क्या बात है मैडम, चेहरे पर बड़ी खुशी दौड़ रही है। क्या बात है, अपना इरादा बदल के मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है। दरअसल बात ये है कि आप पापा बनने वाले हैं। वाओ, थैंक्स डार्लिंग, तुमने बड़ी खुशी की खबर दी है। अब तुम्हारा दिल बहलाने के लिए बताओ मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। बताओ, ऊटी चलना है, कोडाईकनाल जाना है, वैसे कश्मीर भी जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। कौन सी बात जी? तुम बता सकती हो ये जो बच्चा होने वाला है इसका बाप कौन है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस इतनी सी बात तो पूछी है मैंने, बच्चे का बाप कौन है? अच्छा, ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ही तुम्हारे इस बच्चे का बाप हूँ, लेकिन इस बच्चे की माँ का पति कौन है इसका सबूत केवल मैं ही दे सकता हूँ। क्या आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा तब और अब और हमेशा एक ही है। मेरी कंपनी की तरक्की के लिए तुम्हें लाखों लाख कमाने होंगे। एक तो तुमने पहले ही मॉडलिंग करने से मना कर दिया है, ऊपर से तुम अगर माँ बन गई तो काम नहीं कर सकती। जो काम नहीं कर सकता उसकी मेरे घर में कोई जगह नहीं। गेट आउट। सुनिए, इतना अन्याय मत कीजिए। मैंने आप पर विश्वास किया, आपके दुख सुख में साथ देने वाली पत्नी हूँ मैं। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरा आपके सिवाय और कोई भी नहीं है। इस हालत में मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कहाँ जाओगी। सेंटिमेंट और भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। सुनिए,
मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ए, आखिरी बार कह रहा हूँ, शराफत से बाहर चली जाओ। नहीं। आओ। चली जाओ यहाँ से। Damn it. उसके बाद रवि वर्मा ने विजया को घर से निकाल दिया। इस मुसीबत की घड़ी में डॉक्टर शांति ने विजया को आश्रय दिया। उसके बाद रवि वर्मा ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। उसने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया था। हेलो वकील साहब। हेलो। आइए बैठिए। मिस्टर रवि वर्मा, आपकी पत्नी विजया तलाक के लिए राजी नहीं है। वो राजी हो या ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तलाक की अर्जी मैंने दी है। सॉरी रवि जी, शायद आप कानून ठीक से नहीं जानते हैं। किसी एक के तलाक मांगने से तलाक नहीं मिलता। तलाक के लिए ठोस कारण नहीं होगा तो कोर्ट कभी नहीं मानेगी। मैंने बताया था ना, उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। लेकिन सबूत क्या है, आपके पास कोई सबूत है? मेरा मन उसकी गवाही दे रहा है। कोई फायदा नहीं है रवि जी, कोई भी जिरह कर ले, लेकिन ये केस जीतना मुश्किल है, तलाक मिलना बहुत मुश्किल है। ये बात है तो अदालत को सबूत चाहिए, देखता हूँ कैसे तलाक नहीं देती है। जानती थी कि आपका मन जरूर बदलेगा, मेरे लिए नहीं तो अपने होने वाले बच्चे के लिए आप जरूर आएंगे। मैं जानती थी, मुझे विश्वास था। आइए ना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया और ना ही तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तुमने तलाक देने से क्यों मना किया है, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा प्लान बना रखा है। इस बच्चे के जरिए तुम मेरी जायदाद में हिस्सा लेना चाहती हो, क्यों? ठीक कहा ना मैंने? पर तुमसे छुटकारा पाने के लिए मुझे कोर्ट की जरूरत नहीं है। आज मुझे तुझसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद गिरफ्तार हुए रवि वर्मा ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। गुनाह साबित हो गया और उसे सजा मिल गई। मेरा आप सबको यहाँ बुलाने का कारण यह है कि हम सब मिलकर अरुणा का अभिवादन कर सके। बेटी अरुणा, तुम्हारा अभिवादन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे अखबार में तुमने रवि वर्मा के बारे में जो लेख लिखा है, उसमें हमारे लाखों लाख पाठक, खासकर स्त्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। वैसे तो पत्र बहुत सारे लोगों का आया है, उनमें से एक रवि वर्मा का भी है। प्रजा राज्य के एडिटर जी, आपके अखबार में मेरे बारे में जो लिखा है वो बहुत ही सराहनीय है। लेखक की कल्पना बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी कहानी लिखने वाले ने उस कहानी के खलनायक को भुला दिया। अगर उस खलनायक के बारे में पत्र लिख देते तो यह कहानी और बढ़िया होती। बस यही बात बताने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। आपका रवि वर्मा। वो खुद ही खलनायक है, अपनी गलती को छुपाने के लिए उसने ये पत्र लिखा है। चाहे जो भी हो, रवि वर्मा के कारण हमारे अखबार को एक अच्छी कहानी मिली है। एक दो दिन में उसे फांसी दे दी जाएगी, इसलिए मेरी सहानुभूति उसके साथ है। मिस्टर रवि वर्मा, आज तुम्हारी फांसी होने वाली है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? मरने से पहले मैं वसीयत लिखना चाहता हूँ, उसके लिए स्टाम्प पेपर चाहिए। ओके, मैं इंतजाम करता हूँ। सर, रवि वर्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हालत बहुत नाजुक है। क्या कह रहे हैं? जितनी जल्दी हो उसे हॉस्पिटल भिजवा दीजिए सर। तो उसे अस्पताल ले जाइए। ओके सर।
हेलो, क्या जल्दी ढूंढो उसे। हेलो, कौन? अरुणा, मैं एडिटर राघव बोल रहा हूँ। तुमने जिस रवि वर्मा का इंटरव्यू किया था वो जेल से भाग गया। तुमने उसके बारे में लेख भी लिखा है, इसलिए तुम जरा सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है। तुम घर में हिफाजत से रहना। ठीक है, रखता हूँ। कौन था फोन पर? मेरे एडिटर। रवि वर्मा जेल से फरार हो गया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इट्स ऑल राइट। खुनी रवि वर्मा जेल से फरार हो गया है, ऐसे में हमें उसे शूट करना पड़ा। उसे ढूंढते हुए हम यहाँ पे आए हैं। आपने उसे देखा क्या? नहीं सर। उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो खबर कीजिए। सावधान रहिएगा। गुड नाइट। शांति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी हत्या करने के इरादे से आने वाले का तुम इलाज कर रही हो? अरुणा, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर होने के नाते मैं कर्तव्य निभा रही हूँ। इसकी इस हालत का जिम्मेदार ये खुद है। कारण चाहे कुछ भी हो, खूनी हो, डाकू हो या चोर हो, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। इसके होश में आने तक इंतजार करना होगा। इससे पहले कि ये होश में आए, मैं खुद पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस स्टेशन, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें उस खूनी से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? क्योंकि उसके दिल में करुणा और दया है। क्या कहा? उसके दिल में दया और करुणा है? वो एक हत्यारा है। तुम भी मेरी दुश्मन हो गई हो। तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है,
एक बार ये पढ़कर देखो। मैं रवि वर्मा अपने पूरे होशो आवास में ये लिख रहा हूँ कि मैं अपनी मृत पत्नी की छोटी बहन कुमारी अरुणा के नाम अपनी पूरी चल अचल संपत्ति लिख रहा हूँ। इसकी हालत बहुत नाजुक है, मैं अस्पताल जाकर दवाई ले आती हूँ। अपराधी की मदद करना भी अपराध होता है, ये बात किसी को पता चली तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो अब क्या करना होगा? पुलिस को खबर करेंगे तो वो खुद इसका इलाज करा देंगे। ताकि इसे ले जाकर फांसी पर लटका दे, तुम्हें इससे खुशी मिलेगी? इसका लिखा खत पढ़ने के बाद भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ? किसे चाहिए इसकी जायदाद? मेरी दीदी को मार कर उसके बदले में हरजाना दे रहा है। मुझे सिर्फ उसकी मौत चाहिए। हो सकता है कि वो निर्दोष हो, कभी कभी अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। सोचो अगर वो निर्दोष हुआ और हमारी वजह से उसे सजा हो गई तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। विजया और रवि वर्मा के बारे में मुझे कुछ पता है। शांति, रवि, मिस्टर रवि, रवि शांति, अभी मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर पर हो। मेरी हालत कैसी है? फिलहाल तुम ठीक हो। मुझे बांध के क्यों रखा है? प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज। शांति, इसे नींद का इंजेक्शन लगाकर दोबारा बेहोश करती हूँ या मैं अभी फोन करके पुलिस को बुलाऊं? मेरे बारे में लिखने वाले प्रेस रिपोर्टर तुम ही हो ना? लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। शांति, तुम इंजेक्शन लगा रही हो या नहीं? शांति प्लीज, नहीं नहीं शांति प्लीज, मुझे इंजेक्शन मत लगाना। मेरी बात सुनो शांति, प्लीज प्लीज मुझे बेहोश मत करो। शांति मेरी बात सुनो। नहीं शांति, नहीं प्लीज शांति सुनो, मेरी बात सुनो शांति। नहीं शांति प्लीज, शांति प्लीज मत मत लगाना शांति। नहीं गुड मॉर्निंग शांति जी। आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? क्या है? मेरे लिए कुछ लिखना है। जरूर, एक मिनट। बोलो। मेरी प्यारी अरुणा, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी। अब दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं है जिससे अपनी बात कह सकूं। जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई बताने के लिए ही मैं ये लिखवा रहा हूं। दुनिया को लगता है कि मैंने तुम्हारी बहन की हत्या की है, लेकिन ये सच नहीं है।
सच्चाई क्या ये सिर्फ तुम्हारी बहन ही जानती थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी बहन की आत्मा की शांति के लिए, मेरी तसल्ली के लिए मैं ये सब लिखवा रहा हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। Stop it! किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? मेरी बहन से शादी करके उसे धोखा दिया और अब हमसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अरुणा, शांत छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें अरुणा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अरुणा, प्लीज मार डालूंगी मैं तुम्हें। शांत हो जाओ अरुणा, ये तुम क्या कर रही हो? अरुणा 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 प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे पता है, मुझे पता चल गया, मुझे पता है तुम दोनों क्यों डर रही हो। उस रवि वर्मा से डर रही हो ना? जब इतना डर है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। दरवाजे पे दस्तक देते ही तुमने दरवाजा खोल दिया। कम से कम ये तो पूछती कि कौन है। वो तो चलो कि मैं था, कहीं खूनी होता तो क्या करती? होता तो क्या जाता, तुम उसका क्या कर लेते? मैं क्या कर लेता? लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। एक बार दारा सिंह दिल्ली से यहाँ पे आए थे, होटल में आराम कर रहे थे, तभी एक गुंडा उन्हें मारने आ गया। उसके पास बकरा काटने वाला चाकू था। दारा सिंह को मारने के लिए खूनी क्यों आएगा? सवाल बहुत करती हो तुम। कुश्ती में हरा दिया था, उसका बदला लेना चाहता था वो। अरे मेरी बातों पे विश्वास हो तब सुनो मेरी बात को, समझी? तुम प्लीज काम की बात करो, तुम यहाँ क्यों आए हो? ठीक है मैं बताता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे एडिटर ने बुलाकर कहा, अरे भाई गोविंद राम जी, शहर के हालात कुछ ठीक नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए आज से सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी और तुम कैसे करोगे ये तुम देख लो, इसीलिए यहाँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए आया हूँ। हमें किसी का डर नहीं है, समझ गए? डर नहीं है, डर नहीं है ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोग के चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। उस रवि वर्मा से आप डर रही हैं कि वो कुछ कर ना दे। आपके डर को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चिंता छोड़िए, मस्त रहिए, कुछ नहीं होगा, जाकर सो जाइए। अगर रवि वर्मा गलती से भी यहाँ आ गया तो उसे फुटबॉल की तरह पकड़ कर एक जोरदार किक मारूंगा, वो सीधा गोल में जाकर गोल हो जाएगा। ये कौन था? बहन जी, रवि वर्मा तो नहीं आ गया? एक बार यहाँ छुप कर मैं उसकी हरकतों के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि उसे लड़ सकूँ। गोविंद राम जी, मैंने कहा था ना यहाँ पर कोई नहीं है, डरिए मत, वो तो बिल्ली ने सामान गिरा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं डर गया? कोई सामने से, बाएं से, दाएं से, कहीं से भी दुश्मन आए, मैं सबका सामना अकेला ही कर सकता हूँ। मैं तो बस ऐसी स्थिति से कैसे सावधानी बरतनी चाहिए ये देखने के लिए यहाँ पे नीचे गया था। आपने बहुत सावधानी दिखा दी, अब जाइए और कह दीजिए कि अरुणा की तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर में 2 दिन की छुट्टी कह दीजिए। क्या कहा, तबीयत ठीक नहीं है? तो फिर आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, बस करो, मैं सब देख लूंगी। आप यहाँ से जाइए प्लीज। ठीक है, इनका ख्याल रखिए। शांति, कौन आया था? अरुणा के ऑफिस से प्यून था। अरुणा कौन? तुम्हारी कहानी की रचयिता, विजया की छोटी बहन, तुम्हारी साली। क्या वो मेरी साली है? क्या हुआ अरुणा, अंधेरे में क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही शांति, उजाले में बैठने का मन नहीं कर रहा था। क्यों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ है ना, बात तो है ही। तुम जो कर रही हो वो तुम्हें न्याय लग रहा है? एक साधारण से एक्सीडेंट केस को भी कोई डॉक्टर अपने घर में रखकर इलाज नहीं करता है, और तुम तो एक जेल से फरार खूनी को अपने घर में छिपा कर इलाज कर रही हो। इतना ही नहीं, पुलिस को खबर नहीं कर रही हो। इस बात का पता पुलिस को चला तो हम दोनों ही मुजरिम बन जाएंगे। तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसके लिए तुम्हारे मन में सहानुभूति क्यों है? उसके बारे में क्या जानती हो तुम? जो बातें तुम्हें नहीं पता है वो मैं जानती हूँ, इसीलिए दया दिखा रही हूँ। विजया का जो संसार तुमने नहीं देखा वो मैंने देखा है। तुमने अपने मन में बहुत गलत कल्पना बना रखी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें क्या लगता है अरुणा, वो जो कुछ भी लिखवा रहा था तुम कौन हो ये जानने के बाद लिखवा रहा था? अपनी गर्भवती पत्नी की आधी रात को उसने हत्या कर दी, ये तुम्हें किसने बताया? हाँ, तुमने खुद देखा या तुम्हारी बहन ने तुम्हें पत्र लिखा था? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? इन सब बातों की तुमने खुद कल्पना की है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कानून नहीं जानती, मुझे नहीं पता न्याय क्या है और अन्याय क्या। मुझे बस इतना पता है कि वो जेल से फरार हुआ है, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर तुम अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं हो और तुम यही चाहती हो कि एक निर्दोष को सजा मिले,
तो मैं खुद ही पुलिस को फोन करके उसे कानून के हवाले कर देती हूँ। Excuse me, हम जेल से फरार रवि वर्मा के बारे में पूछने आए हैं। रवि वर्मा का जेल में इंटरव्यू आपने ही लिया था ना? हाँ। तब उसने किसी से दुश्मनी के बारे में आपसे कुछ कहा था? नहीं। ठीक है, लेकिन आपके अखबार के नाम जो चिट्ठी लिखी थी उसमें किसी विलन का जिक्र किया था, इस बारे में आप कुछ जानती हैं? नहीं। फिर उसके बारे में इतना कुछ कैसे लिखा आपने? वो मैंने अपनी कल्पना से लिखा था। हाँ, ऐसी। देखिए, मेरे पास पक्की जानकारी है, आप मुझसे कुछ छुपाइए मत। चलता हूं। शांति जी। हुँ? आप किससे बात कर रही थी? हाँ, वो तुम्हारे बारे में पूछने पुलिस आई थी। तो आप मुझे उनके हवाले कर देंगी? एक अच्छा मुहूर्त देकर तुम्हें उन्हें सौंप दूंगी। मैं खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। मैं जा रहा हूँ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और उसके लिए क्या ये सही समय है? काम पूरा किए बिना अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो लक्ष्य क्या है? उनकी छोटी बहनों मुझे जानने का हक है। मेरी बहन के जाने के दुख में मैंने कुछ भी लिख दिया था, पर अब उसका पश्चाताप है। दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए। आप पर विश्वास करके शादी करने वाली मेरी बहन की कहानी मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बताइए। अब वो सब बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम शायद लोगों को बताना चाहती थी कि मैंने क्या किया है। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी लिखा वो तुम्हारी भावना थी। अब बीते समय में जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। इससे पहले कि आपकी जायदाद मुझे मिले, मैं इस पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन का पति कितना अच्छा इंसान है, कितना नेक इंसान है। प्लीज मुझे बताइए, उसकी कहानी बताइए। खुद को बचाने के लिए मैं तुम्हें ये कहानी नहीं बता रहा, दिल से बता रहा हूँ। मैं अमीर घर में पैदा हुआ, बहुत पैसे थे, पैसे के बीच ही बड़ा हुआ। अपने माता पिता की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। फिर मॉडलिंग को मैंने हॉबी की तरह शुरू किया, लेकिन सच्चाई यह है कि मॉडलिंग से पैसे कमाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था, वो मेरा शौक था। विजया का नृत्य देखकर मैंने उसे मॉडलिंग के लिए ऑफर किया, लेकिन उसने मेरा मॉडलिंग का ऑफर ठुकरा दिया और एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर अचानक उसे एक दिन ऑफिस के मैनेजर के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा। कमाई का रास्ता बंद ना हो जाए इसके लिए मॉडलिंग शुरू कर दी। उसने बेमन से ये काम करना शुरू किया क्योंकि वो चाहती थी कि तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट ना आए, इसलिए मेरी कंपनी में मॉडल बनकर आ गई। फुल फ्लैश, ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, देखने वालों के लिए एक किक है। ये आंख नहीं है, फ्लैश बल्ब है। ये एक ब्लैंक चेक है, सही कर रहा हूँ, एक ब्लैंक चेक। इसे पाने वाला भाग्यशाली कौन है भला? हे इडियट, वो तुम नहीं हो। बाय द वे भानु, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, पेंटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए स्टिल्स तैयार कर देना, ओके? इसमें तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम आओगे तब तक रेडी हो जाएंगे। फर्स्ट इज माय टेस्ट, चलता हूँ। रेडी?
रेडी। थोड़ा सा लेफ्ट और लेफ्ट। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे, हाँ ये ठीक रहेगा। अभी फ्लैश एकदम ठीक से पड़ेगा। सुनिए, आप जरा दूर से बताइए, किसी का हाथ लगाना मुझे पसंद नहीं। एक बार कहने से मेरी समझ में आता है। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं आपको दूर से ही समझा दूंगा। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। स्टडी, स्माइल, स्माइल, रेडी, ओके। अब एक काम कीजिए, उस साबुन के एडवर्टाइजमेंट के लिए बाथरूम में जाकर टॉवल पहन के आओ। बाथरूम टॉवल? रवि वर्मा जी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ऑल राइट, तुम जाकर दूसरे कपड़े पहन कर आओ। बॉय। सर, तुम्हारी मैडम को कपड़े बदल कर आने में बहुत देर लगेगी, तब तक तुम जाकर 5-स्टार होटल में आराम से खाना खाकर आना। समझ गए ना? नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। जाओ जाओ। हेलो, रवि वर्मा बोल रहा हूँ। मैं हाईटेक्स कंपनी का मैनेजर रामा राव बोल रहा हूँ। मैं 2 दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता चला कि आप बॉम्बे गए हुए हैं। कब तक वापस आएंगे? मैं आज ही सुबह की फ्लाइट से वापस आया हूँ। क्यों, क्या बात है सर? कुछ नहीं, हमारे हाईटेक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक लड़की चाहिए थी। ओह श्योर, विजय इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। आपको कब चाहिए? शाम तक। शाम को तो थोड़ा मुश्किल है, मेरा फोटोग्राफर बाहर गया हुआ है। प्लीज रवि वर्मा जी, इस डिजाइन को अर्जेंटली बॉम्बे भेजना है, प्लीज शाम तक कर दीजिए। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाय। गुड मॉर्निंग सर। हेलो विजय, बिल्कुल सही समय पे आई हो। हाईटेक कंपनी वालों को अर्जेंटली स्टिल्स चाहिए, तुम जाके दुल्हन के गेटअप में तैयार होकर आ जाओ। ठीक है सर। हरी अब। रेडी सर। रेडी, ओके। सॉरी, मैं आपको बिना बताए ही आ गया। अरे रे, कैसी बातें कर रहे हैं, आई ना। आप भी बैठिए। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मन पसंद साथी मिल जाए तो खुशी तो होगी। वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे दिल के तार को छूकर जिस अफसरा ने मेरे दिल में संकेत पैदा किया है, मैं उसे जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। तो भाग्यशाली कौन है सर, मुझे बताइए ना। वो कौन है, मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा।
पर शायद आप मुझे अभी नहीं बताना चाहते हैं। हाँ, अभी उसका समय नहीं आया है। देखिए, दरअसल ऐसी बातों को ज्यादा देर तक छिपा कर नहीं रखना चाहिए, वरना रिश्तों को नजर लग जाती है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इसका मतलब है आप मुझे नहीं बताने वाले हैं? अगर आप कहें तो मैं अभी मिलवा सकता हूँ। अभी? हाँ, अगर आप बुरा ना माने। श्योर। चलिए मेरे साथ। प्लीज कम। वेलकम। आइए। तभी से विजया मेरे दिल में बस गई। उसने अपने दिल की बात भी मुझे बता दी। जिस दिन हम दोनों ने शादी की, उस दिन शांति लंदन चली गई और तुम पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई हो, ये विजया ने मुझे बताया। और फिर उसके बाद तुम दोनों की गैर हाजिरी में हम दोनों ने शादी कर ली। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले फोन करते हैं। हेलो। हेलो, रवि वर्मा जी हैं क्या? हैं तो सही, पर आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। ओह अच्छा, मैं भी उनकी पत्नी ही हूँ। सुनो, तुम शाम को यहाँ आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर साथ साथ रहेंगे। सच में वो शाम को आएंगे? हाँ, वो शाम को आएंगे और फिर हम तीनों मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। पर तुम पक्का आ जाना। हाँ। हे विजया, तुम बहुत ही नॉटी हो यार। और नहीं तो क्या, अभी अभी ऑफिस पहुँचे और तुरंत फोन कर दिया। अच्छा, आप ऑफिस काम करने जाते हैं या फिर फोन करने जाते हैं? इसी तरह ऑफिस में बैठकर फोन करते रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे? मैं क्या करूँ विजया, घर जाता हूँ तो मुझे ऑफिस याद आता है, ऑफिस आता हूँ तो घर की याद आ जाती है। सुनो ना, आज यहाँ पर कोई नहीं है, मैं एक काम करूँगा, घर जल्दी आ जाऊँगा। तो मैडम, आप अच्छी तरह तैयार होकर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसके बाद हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, आज हम सिनेमा देखेंगे। ओके ओके। सर। हाँ, भानु सर आ गए? नहीं आए सर। वो भी अजीब है, हमेशा फ्रेम फ्लैश और क्लिक करता घूमता रहता है। ओके, कोट तुम लेकर आ जाओ। ब्यूटीफुल फ्रेम, लगता है आज तो किस्मत खुलने वाली है। भानु जी आइए आइए, बहुत दिनों से दिखे नहीं आप। क्या करूं, कैमरामैन की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, कब कहां काम आ जाए पता नहीं चलता, कहां क्लिक करना पड़ जाए। रवि वर्मा जी कहां हैं? वो ऑफिस गए हैं। इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर वो ऑफिस गए हैं? मैं तो कैमरे के लेंस की तरह चिपका रहता। आधे घंटे में आ जाएंगे कहा है। आधा घंटा तो काफी समय है, जब तक वो आएंगे मैं वेट नहीं कर सकता। वैसे मैं आपकी शादी का तोहफा देने के लिए आया था, ये लीजिए। थैंक यू। एक बार देखिए तो सही। ये तो मैंने कहा था ना, क्या खूबसूरती है। रवि वर्मा जी ने जिस खूबसूरती को कैच नहीं किया, वो मेरे कैमरे के लेंस ने कैच कर लिया, मेरे दिल में उतर गई और मैंने तुरंत क्लिक कर लिया। रात दिन जब भी नींद नहीं आती है, मैं इसे रात में देख लेता हूँ, देखकर बड़ा सुकून मिलता है। Stop it! बेवकूफ लड़की, फोटो को फाड़कर मेरे चेहरे पर फेंक देने से क्या होगा, इनकी नेगेटिव तो मेरे पास है, मैंने तुम्हें अपने दिल में पूरी तरह से बसा लिया है। अगर इससे बचना चाहती हो तो बस एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है बोलो। अपनी इस खूबसूरती को बस एक बार मेरे हवाले कर दो, उसके बाद तुम अपने पति के साथ आराम से रह सकती हो। शट अप, बकवास मत करो, इतनी गिरी हुई बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर उन्हें पता चला तो जानते हो क्या होगा? पता चलेगा
कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी तभी ना, कभी नहीं बताओगी। मेरी जो शर्त है उसे पूरा करोगी। अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं, जानती हो। फास्ट इज माई टेस्ट। रवि वर्मा आ रहा है। हाय रवि। हाय भानु, तुम यहाँ कब आए? ऑफिस क्यों नहीं आए? शादी हुई अभी 4 दिन नहीं हुए और अपने ऑफिस में काम करने चले गए। मैंने सोचा था तुम घर पे होगे, इसलिए बधाई देने के लिए यहाँ चला आया। खैर, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। विजय, कॉफी पिलाई? कॉफी किस लिए? दावत लूंगा, दावत। अरे दावत भी खा लेना। तुम क्या करोगे? मैं और विजय तो सिनेमा देखने जा रहे हैं। नहीं, एक जरूरी काम है, चलता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं जी, ये बताइए देर क्यों हो गई आपको? देर हो गई? 5 ही मिनट तो देर से आया हूँ। Come on, darling. भानु मुझ पर प्रेशर डाल रहा था उसकी बातें मानने के लिए। किसी भी तरह उसे बचना होगा। अगर अगर ये बात इन्हें बता दूं तो नहीं नहीं, ये बात बताकर कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। लेकिन लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे ही कोई फैसला लेना होगा और इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा। विजय, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो पहले क्यों नहीं बताया? अंदर चल के आराम करो, सुबह होते ही डॉक्टर शांति के पास चलेंगे। आओ। विजया को जिनको अनुभव नहीं होता उनके लिए पहला अनुभव है। फिलहाल तो आप दोनों गोद भराई की रस्म के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वाओ, कांग्रेचुलेशन। मिस्टर रवि, अस्पताल है। सॉरी डॉक्टर। विजया, ये कुछ दवाइयां हैं, चेकअप के लिए टाइम पर आती रहना। ठीक है डॉक्टर, हम चलते। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, डार्लिंग, जब तक वापस ना आ जाऊं तुम आराम करना, ठीक है? बाय बाय। बाय। हेलो। वंडरफुल, मैंने अभी जिसे फोकस किया वही सुंदर फ्रेम दिख रहा है। कैसी हो? रात को तो तुम्हें नींद आती ही नहीं होगी, बस मेरे बारे में ही ख्याल रहता होगा, ठीक कहा ना? वो क्या है ना, कुछ बातें फोन पर नहीं की जा सकती। तुम यहाँ आ रही हो या मैं वहाँ आऊँ? भानु प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद तुम अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता सकती हो। नहीं तो नेगेटिव्स और तुम्हारा पति, सोच लो। नो, भानु नहीं। डोंट वरी मैडम, एक काम करो, बाहर निकलकर होटल रिट्स रूम नंबर 101 में आ जाओ। मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान 2 मिनट में कर दूंगा। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जानू। ओके, okay?
स्वागतम सुस्वागतम। सौंदर्यवानी की सुरलोक की अप्सरा का स्वागत है। प्लीज बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। फिर तुम किस लिए आई हो यहाँ पर? अपनी समस्या का जल्द समाधान ढूंढने के लिए? हाँ। उसके लिए मैं रेडी हूँ, जानती हो क्यों? फर्स्ट इज माई टेस्ट। ये लो, और चाहिए तो और भी मिल जाएंगे, पर वो नेगेटिव्स मुझे दे दो। बेवकूफ लड़की, मैंने जो फ्रेम फिक्स किया है उसे तुम समझ ही नहीं पाई। तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ बस इन पैसों के लिए बुलाया है? मैंने तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियों की तस्वीरों को बाजार में लगाकर इससे ज्यादा पैसा कमाया है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ, ये बात मत भूलो तुम। ऑफ कोर्स, तुम कौन हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मैं फ्लैश क्लिक करूंगा तो तुम्हारा फ्रेम वेस्ट हो जाएगा। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। तुम्हारा रेड सिग्नल, मेरा ग्रीन सिग्नल, कम ऑन। विजया, अरे भानु, हाय। देखकर भी अनदेखा कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। आज ऑफिस नहीं आए और यहाँ क्या कर रहे हो? एक दोस्त से मिलने आया था, काम हो गया, अब ऑफिस ही जा रहा था। वो सब छोड़ो, तुमने विजया को देखा क्या? नहीं तो। यहाँ से विजया जैसी कोई लड़की जा रही थी, मैंने आवाज दी तो उसने सुना नहीं। रवि, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही तुम्हें भी हर लड़की विजया जैसी दिखती है। ये तुम्हारे मन का वहम है या फिर विजया के लिए प्यार? हा? चलता हूँ, बाय। ओके बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। बॉम्बे वाली पार्टी किस कमरे में? 107। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रवि वर्मा, आपकी पत्नी दोबारा मॉडलिंग कर रही है क्या? नहीं तो, क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि आपकी पत्नी अभी भानु सर से मिलने आई थी, मुझे लगा भानु सर के लिए मॉडलिंग कर रही है इसीलिए पूछा। विजया, आज एक अजीब बात हुई। किसी काम से होटल रिट्स में गया था, वहाँ एक औरत को होटल से बाहर जाते हुए देखा, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही थी। मैंने विजया विजया की आवाज भी लगाई लेकिन वो अनसुना करके चली गई। जब अंदर जा रहा था तो गेट पे ही मेरे सामने भानु आ गया। जब मैंने उससे औरत के बारे में बताया तो मेरा मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा मुझे सारी लड़कियां आजकल विजया जैसी दिखाई देती है। पूछने लगा विजया यहाँ किस लिए आएगी। मुझे भी ये बात सच लगी और अपने आप पर हंसी भी आई। तुम भला उस होटल में कैसे हो सकती हो? पर एक बात कहूं, कुछ भी हो विजया, जब से तुम्हारे साथ शादी की है हर लड़की मुझे तुम्हारी तरह दिखने लगी है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम्हारी वाइफ भानु के साथ आई थी, उसने मॉडलिंग फिर से शुरू कर दी है क्या? पता नहीं उसे भी वो औरत तुम क्यों लगी। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। सर, हाँ मैं घर जा रहा हूँ, आर्टिस्ट आए तो कह देना बाकी काम कल करें। ठीक है सर। हाँ।
उस दिन तो तुम होटल से बचकर निकल गई थी, लेकिन जैसे अजगर से बचना मुश्किल होता है वैसे ही इस भानु के फ्रेम से भी बच पाना उतना ही मुश्किल है। तुम जानती हो क्यों? फर्स्ट इज माई टेस्ट, कम ऑन। हाय रवि, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम मेरे घर क्यों गए थे? मैं तुम्हारे घर कब गया था? मैं तो शाम से टीवी देख रहा हूँ, मैं कहीं बाहर गया ही नहीं था। ड्रिंक लोगे? सच बताओ, हकीकत क्या है? बोलो, बताओ बताओ क्या है सच। अच्छा बताता हूँ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। सच बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। ये लो देख लो, अपनी पत्नी का असली चेहरा। तो मेरे दोस्त हो इसलिए इतने दिन से चुप था। विजया! क्या हुआ जी? तुमने जो किया उसके लिए कोई भी सजा दूं पाप नहीं लगेगा। मैंने क्या किया? मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं? तो ये फोटोज देखो। सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरी जानकारी के बिना ही वो। शट अप! तुम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रही हो। तुम उस दिन भानु से मिलने होटल में गई थी। उस रात जब मैंने उसके बारे में पूछा तो तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी, चुपचाप मुंह फेर कर लेटी रही। उसकी वजह क्या थी? तुमने कोई गलती नहीं की थी तो चुप रहने की जरूरत क्या थी? उसी दिन तुम्हारे ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया था। तुम्हारे दिल में चोर नहीं होता तो तुम सारी बातें सच सच बता देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बस यही गलती हो गई मुझसे। विजया, मैंने तुम्हें हमेशा दिल से प्यार किया है, तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है, हमेशा अपने दिल में बसा कर रखा है, लेकिन तुमने मेरे इस विश्वास को चकनाचूर कर दिया। सुनिए, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। भगवान के लिए विजय, आप तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। सुनिए, इतनी बड़ी बात मत कहिए। तुम बाहर निकलती हो या मैं घर छोड़कर चला जाऊं? नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आप समझने की स्थिति में नहीं है। एक दिन जब आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रही थी वही सच था, और जिस दिन आप खुद मुझे लेने आएंगे उसी दिन मैं इस घर में वापस आऊंगी। चलती हूँ, चलती हूँ। लोग सिर्फ इंसान की बुराई देखते हैं, इंसान को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। उसे घर से निकालकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, लोगों ने मुझे बेरहम कहा, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। उसकी सहायता करने के लिए मैंने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी, लेकिन विजया इसके लिए राजी नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने फैसला किया था जो मुझे तकलीफ दे रहा था। सोचा था विजया को फिर से अपना लूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि विजया के पास किस बहाने से जाऊं। तब मुझे उसका सूटकेस दिखा।
रवि और मेरा जन्म जन्म का साथ है। मैं उनके चरणों की दासी हूँ। हमारा बच्चा होने वाला है ये जानकर रवि बहुत खुश हो गए। मैं उनसे कोई झूठ नहीं बोल सकती। मेरे शांत जीवन में भानु तूफान लाने की कोशिश कर रहा है। मेरी जानकारी के बिना मेरी फोटोज लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जिया, तुम दिन भर ऐसे दुखी बैठी रहोगी तो रवि वर्मा को सच्चाई का पता कैसे चलेगा? तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? तुम हिम्मत से काम लो, मैं अस्पताल जा रही हूँ। घर से निकाल दिया, कितना बड़ा बेवकूफ है वो। तुम्हें खोना उसका बड़ा दुर्भाग्य है और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। सुनिए विजया, कम से कम आपको सच तो पता चल गया, ये मेरे लिए काफी है। विजया 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 भानु, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे क्यों तुम, अरे ये क्या, तू कर दिया इसे, मार दिया इसे, इसने ही गुरु किया, ये ये, अरे इसने गुरु किया, इसे छोड़ना मत, मेरी बात सुनो, मैंने फोन नहीं किया, इसे चलो तोड़ दो, भाई तोड़ दो, बैग ना छोड़ डालो, वो भाग रहा नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, चलो फोन कर दिया उसने, चलो डालो, लगा दो आग गाड़ी पे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो, मैंने खून नहीं किया। उन सब लोगों ने मुझे ही अपराधी समझा। अपनी पत्नी की धोखे से ली गई अश्लील तस्वीरों को कोर्ट में दिखाकर मेरा मन खुद को निर्दोष साबित करने का नहीं था, इसीलिए मैंने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश ही नहीं की। इसके बाद कोर्ट ने मुझे सजा दे दी
और मैंने भी उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं बदला लेना चाहता था। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मेरा लक्ष्य क्या है। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं। कहाँ है रवि वर्मा? कहाँ है? कौन रवि वर्मा? Yes. वो तो यहाँ नहीं है। मैं सब कुछ जानकर यहाँ आया हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि रवि वर्मा इस समय आपके ही घर में है। एक मुजरिम की मदद करके आप भी अपराधी हो गई हैं। चुपचाप बताइए वो कहाँ है। कांस्टेबल चेक करो। वेलकम डियर फ्रेंड, वेलकम। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम आओगे, इसीलिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैंने कुछ लोगों को बुला लिया। कैरी ऑन। नेगेटिव्स कहाँ हैं? निकाल! तुमने जो पाप किया उसका प्रायश्चित भी तुम ही करोगे।